एक यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के पास कि अगर आप Naukri.com की प्रोफाइल पे जा रहे हो या FreshWorld.com की प्रोफाइल पे जा रहे हो, अपना जॉब्स की प्रोफाइल पे जा रहे हो और वहाँ पे आप कुछ चैट करते हो, कुछ कम्युनिकेट करते हो, जो उनका एक चैट बॉट होता है बेसिकली, और वो बोलते हैं कि आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, या आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, रिक्रूटर रेफरेंस अमाउंट बेसिकली जो होता है वो बंदे आपसे मांगते हैं या वो चार्ज आपसे करना चाहते हैं किसी भी तरीके की जो जॉब्स पोर्टल है। तो बेसिकली उसमें हम थोड़ा सा आपको एक तरीके से क्लैरिफाई करेंगे कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देखो दोस्त, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपसे अमाउंट कंपनीज के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो मांगते हैं, बट वो एक्चुअल रिक्रूटर्स नहीं होते हैं, वो कोई फेक कंसल्टेंसी चला रहे होते हैं, कहीं से जो फेक फ्रेंचाइजीज होती हैं वो रन कर रहे होते हैं और आपसे बोलते हैं कि रिक्रूटर चार्जेस होते हैं या और भी तरीके से चार्जेस मांगते हैं, आपके इंटरव्यू के चार्जेस होंगे, तमाम तरीके के चार्जेस होते हैं। तो वहाँ पे किसी भी तरीके का अमाउंट आपको नहीं देना है। एंड दूसरी चीज कि ये रियल वर्ल्ड में भी होता है। रियल वर्ल्ड में क्यों बोल रहा हूँ, आप Naukri.com की प्रोफाइल पे जाओगे या उस पर आप अपना साइन अप करोगे, आप वहाँ पे देखोगे कि जो चैट बॉट है, आप वहाँ पे बात करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये बताया जाएगा कि रेफरेंस का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, 1,000 हो सकता है, 1,200, 1,500, 500 रुपये, वॉट एवर अमाउंट वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो रियल भी होता है, बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप चैट बोट के थ्रू आप उनको पैसे दे रहे हो या आपके पास व्हाट्सएप में कोई बंदा चैट कर रहा है, XYZ पर्सन है किसी भी जॉब पोर्टल्स की एंड से, और वो बोलता है कि आपको 1,000 रुपये देना है, 500 रुपये, 1,500 रुपये देना है, रेफरेंस रिक्रूटर चार्जेस होता है, तो मैं बोलूंगा कि आपको वहां पे नहीं देना है, वहां पे आपको किसी भी तरीके का अमाउंट नहीं देना है। आप उससे बेटर है कि उनकी पेड सर्विसेज खरीद लो, मतलब Naukri.com हो गया या फ्रेशर वर्ड या अपना जॉब से जॉब सीकर्स। तो यहाँ पे आप क्या करो, उनकी पेड प्रोफाइल या प्रीमियम प्रोफाइल खरीद लो और वहाँ पे अपना रिज्यूमे, CV, बायोडाटा सारा कुछ बेटर अपडेट करो एक अच्छे तरीके से, तो आपको कॉल्स आती हैं। बट मैं ये वीडियो प्रमोटेड नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि अगर आपके पास 10 कॉल आती हैं पर डे के हिसाब से, तो हो सकता है उसमें 5 कॉल्स ऐसी हों जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड हों। तो मेरे कहने का मतलब 5 कॉल्स आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड आएंगी, 5 5 कॉल्स आपके पास अदर प्रोफाइल्स की आएंगी, कॉल सेंटर की भी आ सकती है, डेटा एंट्री की भी आ सकती है, आपको टेक्स्ट भी आते हैं उससे, तो नो डाउट वो आपको कॉल भी देते हैं, मैसेज भी देते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि आपका 100% आपकी सेम प्रोफाइल के लिए आएगा। सपोज आपने पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई किया, आपने जावा डेवलपर के लिए, आपने किसी IT जॉब के लिए, आपने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल या जो अदर जॉब्स हैं मार्केटिंग, सेल्स या बिजनेस एनालिटिक्स में, तो ये जो प्रोफाइल्स हैं जरूरी नहीं आपके पास 10 में से 10 कॉल्स उसी प्रोफाइल के आएंगी, डेडिकेटेड प्रोफाइल की। हो सकता है कुछ कॉल फेक भी आती हैं या कुछ कॉल्स अदर प्रोफाइल्स की भी आते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के उनकी प्रीमियम प्रोफाइल या पेड प्रोफाइल आप खरीद सकते हो। बट हाँ, इतना जरूर है कि कॉल्स आपको जरूर आती हैं अगर आप प्रीमियम प्रोफाइल के थ्रू जाते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ से मुझे आप पिंग कर सकते हो, वहाँ पे 1-to-1 कंसल्ट मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।